हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सायरा के किचन में वेलकम है आपको। आज हम बनाएंगे चिकन एग फ्राई। चले देखते हैं इसमें क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले नमक 1.5 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच खाने के, सूखा धनिया 1 चम्मच, काली मिर्च लेंगे हम 1 चम्मच, और 1 से 2 गिलास पानी के बीच में डालने के लिए। 2 अंडे फ्राई करने के लिए लेंगे। अब 1 किलो मुर्गी लिए हमने, उसमें 2 गिलास पानी के डालें। अब इसमें हम नमक डालेंगे। पानी 2 से 3 गिलास आप डाल सकते हैं। पानी इतना डालना है कि जिसमें मुर्गी उसी पानी के अंदर खुशक हो जाए। 1 चम्मच हमने नमक डाला है। अब इसमें अब डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, सूखा धनिया डालेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च डालेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। मिक्स करेंगे अब इसको अच्छी तरह। पानी हमने अपने अंदाज़े के मुताबिक भी डाल सकते हैं, 2 गिलास या 3 गिलास, जिसके अंदर मुर्गी खुश्क हो जाए, जिस पानी के अंदर मुर्गी खुश्क हो जाए और वो मसाला बोटियों के साथ लग जाए। अब इसको हिलाकर अच्छी तरह सारे मसाले मिक्स करके ढककर रख देंगे पकने के लिए, जब तक पानी खुश्क नहीं होता इसका। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं। अब हम इसको ढक्कन उठाकर देखिए साथियों, अब इसका पानी खुश्क हो गया है और मसाला बोटियों को चिपकने लग गया है। साथियों, इसका मसाला अच्छी तरह खुश्क करना है हमने, ताकि जब हम फ्राई करें इसको तो सारा टेस्ट उसमें आए। इसको फ्राई करेंगे अब हम अच्छी तरह पानी खुश्क होने तक। साथियों, आपको मेरी यह रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप मेरी आपको मिले। अब नाज़रीन देखें, इसका पानी खुश्क हो गया है। मसाला सारा इसका बोटियों को लग गया है। अच्छी तरह हिलाएंगे इसको। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब पैन में कुकिंग ऑयल लेंगे, उसको गर्म करने के लिए रख दें। अब हमने 2 अंडे लेके उनको फेंट लेना है। अंडों को अच्छी तरह फेंटेंगे।
अब इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक लेंगे, नमक डालेंगे इसमें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। और जो चिकन हमने उबाला है इसमें डिप करके फ्राई करते जाएंगे। अंडों को फेंट लिया है हमने। अब बोटियों को इसमें डालेंगे। बोटियों को अच्छी तरह अंडे में डिप करेंगे ताकि सारी साइडों में अंडा लग जाए। अब तेल को देख लें गरम हो गया है कि नहीं। वो तेल गरम है। अब इसमें एक एक बोटी करके हम अंडे में अच्छी तरह डिप करके उसमें कुकिंग ऑयल में डालते जाएंगे। बोटियों को अच्छी तरह डिप करके ऑयल में डालेंगे। उतनी बोटियों को डालेंगे जो आसानी से फ्राई हो जाए। साथियों, मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। हल्का सा गोल्डन होने पे इसको उल्टा पलटाएंगे। अब हम इसको उल्टाएंगे। साथियों, ये चिकन बहुत मज़ेदार बनता है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। हल्का गोल्डन होने पे इसको निकाल लेंगे। साथियों, अब सारे चिकन को मैंने डिश में डाल लिया है। आप ये चिकन घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये चिकन कैसा बना है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।